लग के बैठे हो, उनसे उनका एक्सपीरियंस जानने का सर। भाई कैसा एक्सपीरियंस लगा देखने में जिम ने? थार को टक्कर दे पाएगी? थार से तो ऊपर निकल सकती है, पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि थार का इंजन कहीं ना कहीं हमें 2.2 लीटर का मिल जाता है। पेट्रोल की बात करेंगे तो 2 लीटर का मिल जाता है, इसका 1.5 लीटर का, उसके बारे में क्या कहना है? मस्त है, ठीक है। इंटीरियर आपको देखने में अच्छा लगा, और क्या कुछ खासियत अच्छी लगी इसकी? अच्छा, वो चला के बता, जिस हिसाब से डिस्प्ले करके यहाँ पे मिट्टी में खड़ी करके, उधर पत्थर में भी ऊपर ही खड़ी करके, तो उस हिसाब से क्या करना चाहोगे? 4x4 कामयाब होगा? हाँ, आजकल हाँ, अगर हम उसकी बात कर लेना, थार की बात कर ले, 10 लाख से शुरू हो जाती है अपनी, 16 लाख तक जाती है, 4x4 नहीं है। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके? भाई मैं विनोद सैनी स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे चैनल विनोद मोटर क्लब में। भाई आज हमारे सामने खड़ी है मारुति की जिमनी। इस गाड़ी का ना काफ़ी लोगों काफ़ी समय से इंतजार था, क्योंकि थार देख देख के ना लोग उब चुके थे, अब बारी थी कुछ नया देखने, तो मारुति ने पेश कर दिया अपनी मारुति जिमनी। तो आज इसका हम करने वाले डिटेल में रिव्यू, सब कुछ जानने वाले हैं भाई इसके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर इसमें हम वेरियंट की बात करें ना, तो भाई 2 वेरियंटी आते हैं, तीन लगा लो, 3 वेरिएंट आते हैं, यानी कि एक जेटा, एक अल्फा। अल्फा है जो हमें डबल टोन कलर में देखने को मिल जाएगा, ड्यूल टोन कलर में, यानी कि बॉडी कलर अलग होगा, ऊपर वाला कलर उसमें हमें अलग देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर तो प्राइसिंग की बात करें तो 12,74,000 से शुरू होकर 15,05,000 के समथिंग जाती है। ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें हमें दोनों देखने को मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक तीनों में हमें ऑटोमेटिक, यानी कि तीनों वेरिएंट में हमें ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब फ्रंट से बात करें, तो इसमें फ्रंट में क्या है भाई? फ्रंट में मिलने वाले हमें इसके एलईडी हेडलैम्प, ऊपर की तरफ अपना वो टर्न इंडिकेटर, नीचे की तरफ अपना फोग लैम्प। यहाँ पे हमें हेडलाइट पोस्चर मिलने वाला है। थार में और गोरखा में हमें हेडलाइट पोस्चर नहीं देखने को मिलता भाई। ऊपर की तरफ मारुति की जो ग्रिल यूज़ कर रखी है ऊपर फ्रंट में, यहाँ पे सुजुकी के लोगों के साथ, ग्रिल कलर अलग है, सिल्वर कलर है, सिल्वर ही अपनी ग्रिल है, मानो दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा कलर में। नीचे की तरफ आप ग्रिल देख सकते हो, ये ग्रिल बेसिकली रेडिएटर वगैरह के लिए नहीं होगी, रेडिएटर वगैरह के लिए तो ऊपर वाली ग्रिल है भाई, ये तो वैसे ही डिजाइनिंग के लिए यूज़ करके है। फ्रंट वाला बम्पर देख सकते हो आप, इसका हार्ड प्लास्टिक में भाई, मान लो कि है थोड़ी सी मजबूती है, मारुति के हिसाब से मजबूती है इस बार थोड़ी सी। इस तरफ से बात करें ना, तो वही अपना जो व्हील आर्च के ऊपर वाला एरिया ना, जो फ्रंट से, फ्रंट वाला बम्पर से शुरू होकर ना इस वाले से मैच खा जाता है भाई। टायर सेक्शन की बात करें तो 195/80R16 के हमें ब्रिजस्टोन के इसमें टायर देखने को मिल जाते हैं भाई, ठीक है। एक मैं अंदर से दिखा देता हूँ, इस बार थोड़ा सा ना अंदर से भी देखने में लग रहा है कि मारुति हाँ थोड़ा सा मजबूत कंसेप्ट लेके आई है गाड़ी में, कुछ सेफ्टी वगैरह लेके आई है, बाकी तो सेफ्टी रेटिंग आने के बाद ही पता लगेगा, अभी तो फिलहाल इसकी ऐसी कुछ सेफ्टी रेटिंग नहीं आई है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमें टर्न इंडिकेटर इसमें देखने को मिल जाएगा भाई। साइड मिरर की बात करें तो बॉडी कलर क्या है, टॉप में, बेस में नहीं आएंगे अपने, ठीक है। इसको आप अंदर से बंद कर सकते हो, बाहर से नहीं, मान लो कि मैनुअली तो कर सकते हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स बंद करना चाहते हो तो अंदर से बंद कर सकते हो आप इसको। अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 210 mm का इसमें हमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। इस तरफ बॉडी कलर के हमें डोर हैंडल, इस तरफ हमें अपना रिपेयर सेंसर देखने को मिल जाएगा, एक लॉक अपना आ जाएगा भाई। अगर सेकंड विंडो पे आते हैं ना, फिर हमें वही बॉडी कलर का डोर हैंडल देखने को मिल जाता है। ये टॉप वेरिएंट है इसका, बीच वाला जो शीशा है ना सेकंड उसका भाई, उसका सेकंड रो का, तो इसको भी बीच से पार्शियली डिवाइड किया गया है। एक इस तरफ है एक ही, लेकिन ये हल्की सी ग्रिप लगा के इसको डिवाइड कर दिया गया। इस तरफ अपना वही अपना क्या नाम लेते हैं वो पेट्रोल टैंक, इसमें हमें देखने को मिल जाता है। अगर इसके बैक से बात करें ना, बैक में क्या कुछ है हमें इसमें देखने को मिलने वाला भाई? यहाँ पर अपना डिफोगर, ऊपर की तरफ स्टॉप लैम्प, यहाँ पे अपना वो वॉशर, यहाँ पे अपना रेन वाइपर इसमें देखने को मिल जाता है। इस तरफ अपना वही क्या नाम लेते हैं हैंडल, और यहाँ पे अपना वही क्या नाम लेते हैं रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जिमनी का लोगो, जो पीछे वाला टायर है ना हमें, जो स्पेयर व्हील है वो हमें इस पर देखने को मिल जाता है। तो इसका जो टायर सेक्शन की बात करें तो 15 इंच के ही टायर देखने को मिल जाते हैं। इस तरफ बात करें तो यहाँ पर ऑल ग्रिप लिखा मिल जाएगा, अगर ऑल ग्रिप की जगह 4x4 लिखा मिल जाता ना यहाँ पे तो काफ़ी थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल जाता हमें। नीचे वाला एरिया वही है अपना, यहाँ पे तो नंबर प्लेट वगैरह आने वाली है। दो पार्किंग सेंसर इस तरफ, दो पार्किंग सेंसर उस तरफ, यानी कि 4 पार्किंग सेंसर इसमें हमें देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पर बात करें, यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा, इस तरफ स्टॉप लैम्प, और यहाँ पर अपना वो इंडिकेटर, और ये अपना जो बैक गेट डलेगा तब अपना वो लाइट जग जाएगी। अब चलते हैं अंदर से बात करते हैं भाई। 200 हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक खुद खुल जाएगा।
इसकी बात करें ना डोर की, तो ये डोर हाइड्रोलिक है भाई, आपको जस्ट ओपन करना है, देखिए डोर ऑटोमेटिकली इसका खुल चुका है भाई, यानी कि जोर लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही आप इस पे लगाना ना ही कोशिश करना। एक और चीज़ जो मारुति की थोड़ा सा हाइड करनी चाहिए थी, कहना तो नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं मारुति के शोरूम में खड़ा हूँ, इस चीज़ को थोड़ा सा हाइड कर देना चाहिए था कहीं ना कहीं। महिंद्रा पहले ऐसे काम करता था लेकिन अब मारुति में भी ये कहीं ना कहीं आने लग गया। 208 लीटर के बूट स्पेस के साथ आती है, स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है, फोर सीटर में आते हैं जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ। इस तरफ से बात करें यहाँ पे हमें वही अपनी LED वो सिंपल लाइट इसको जगा लेते हैं थोड़ा सा लाइट को, और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट हमें इसमें पीछे की तरफ देखने को मिल जाता है। स्पेस काफ़ी अच्छा, स्पेस के मामले में मारुति आपको निराश नहीं करने वाली अपनी जिमनी में, क्योंकि 4x4 में आ जाती है, ठीक है, और फोर सीटर में ही है नॉर्मली, जो मैं बता ही चुका हूँ आपको। ऊपर की बात करें एंटीना नॉर्मली गाड़ियों में क्या होता है, यहाँ पे होता है या आगे होता है, लेकिन इसमें हमें इस तरफ साइड में देखना मिलने वाला है। सिंपल एंटीना है, कोई वैसा एंटीना नहीं है इसमें भाई, ठीक है। अब चलिए करते हैं इंटीरियर से बात, इंटीरियर से बात करना है इसकी, सेकंड रो में चलते हैं भाई, पहले वाली को आगे वाली को अपने पहले एडजस्ट कर लेते हैं, पहले फ्रंट रो में ही चलते हैं, उसको एडजस्ट करेंगे फिर देखते हैं सेकंड रो में क्या है। भाई इसकी सीट की बात करना, फैब्रिक में सीट है, यहाँ से आप ऊपर वाली सीट को डाउन कर सकते हो और यहाँ से आप आगे पीछे अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट रो में, पहले यहाँ देख लेते हैं हमें क्या कुछ मिलने वाला भाई। तो फ्रंट रो में चलते हैं भाई, फ्रंट रो से पहले बात करते हैं, सीट को अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेंगे इसकी। यहाँ पे बात करें तो फैब्रिक की सीट है, यहाँ से आप पीछे वाली सीट को एडजस्टमेंट कर सकते हो, यहाँ से आप सीट को आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे अपना सिल्वर क्रोम में हैंडल, यहाँ पे ग्रिप वगैरह के लिए वो अच्छी ग्रिप मिल जाएगा, यानी कि डोर 90 डिग्री नहीं खुलते भाई, 90 डिग्री खुलने चाहिए थे। यहाँ पे अपना वही स्पीकर, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है मान लो कि, वो नहीं है बोतल वोटर वगैरह के लिए कुछ नहीं है, बस आप अपना टॉवल वगैरह यहाँ पे आप चिल्लर वगैरह रख सकते हो। अब आ जाते हैं हम इसके फ्रंट, यहाँ पे फ्रंट कैबिन में भाई, भाई फ्रंट से बात करें ना तो यहाँ पे हमें क्या है कि गोल सा स्टेयरिंग मिलने वाला है, फ्लैट बॉटम में नहीं है। फ्लैट बॉटम में होता तो मेरे को थोड़ी सी आसानी हो जाती इसमें एडजस्टमेंट करने के लिए, वैसे तो आप इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो, ऐसे वैसे एडजस्ट नहीं कर सकते। एक अपना वो है कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो हमें वो मिलने वाला है भाई, वो डिजिटल नहीं है नॉर्मल ही है। इस तरह में अपना RPM मीटर और यहाँ पे अपना वही अपना क्या नाम लेते हैं मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिलने जाती है। यहाँ पे अगर AC वेंट की बात करें तो नो मारुति की बेसिकली ये देखने को मिल जाएगा किसी न किसी गाड़ी में आपको ऐसा, जो इसका AC वेंट है फील वही है भाई, वो वाली समझ गए होंगे आप। इस तरफ हमें वही आइडियल ऑन ऑफ हेडलाइट वॉशर, यहाँ से इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, ठीक है, यहाँ से आप साइड वाले मिरर को बंद कर सकते हो खोल सकते हो, इस तरफ से लेफ्ट राइट में एडजस्टमेंट कर सकते हो, और यहाँ से आप अपने हिसाब से साइड मिरर को एडजस्ट कर सकते हो भाई। स्टेयरिंग व्हील पे म्यूजिक इंफोटेंट से कंट्रोल, यहाँ पे अपना वही क्रूज कंट्रोल, यहाँ पे अपना कॉल के बटन जो नॉर्मली मारुति की गाड़ियों में आता है। 10.25 इंच का स्मार्ट एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले के साथ म्यूजिक इंफोटेंट, और यहाँ पे हमें सिल्वर क्रोम की हल्की फिनिशिंग देने वाले दो AC वेंट देखने मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक AC के साथ ये टो वेरिएंट है तो इसमें ऑटोमेटिक AC आता है, मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन आते हैं। यहाँ से आप साइड वाली विंडो को अप एंड डाउन कर सकते हो, ये ट्रैक्शन कंट्रोल का, ये अपना हील असिस्ट का, और ये वाला बटन इस वाले मिरर का, इससे आप ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ पे अपना वही 4x4 गियर लीवर आ गया, इसको 2H 4H 4 लो लगाना होगा तो प्रेस करके लगाना भाई। यहाँ पे अपना वही पीछे वाले विंडो को आप अप डाउन कर सकते हो, और अगर यहाँ से चाइल्ड लो भी लगा सकते हो अगर कोई बच्चा पीछे बैठा है। यहाँ पे अगर बात करें इस तरफ से तो यहाँ पे वही हैंडल मजबूत सा हैंडल देखने को पकड़ने को मिल जाएगा, फील आएगी थोड़ी सी, यानी कि 4x4 कार वाली। ग्लव बॉक्स की बात करें, थार से अच्छा ग्लव बॉक्स है भाई इसमें, थार में तो बिल्कुल छोटा सा ग्लव बॉक्स होता है, लेकिन मारुति इस चीज़ में आपको निराश नहीं करने वाली। यहाँ से बात करें ना तो यहाँ पे एक USB पोर्ट और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट इस तरफ हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस वायरलेस चार्जर देती तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा रहता भाई, ठीक है। और अब चलते हैं पीछे से बात भी करेंगे, तो उससे पहले ऊपर से बात कर लेते हैं भाई। ऊपर से बात करना तो ये अपनी डोर वाली लाइट इसमें हमें देखने को मिल जाएगी, नॉर्मल लाइट है, यानी कि हेलोजन बल्ब सिंपल बल्ब के साथ आने वाली है भाई। इस तरफ अपना वही सन वाइज़र, इसको जैसे ही खोलोगे तो नॉर्मल वाला है भाई, ये ले मेरे को भी देख लो, ठीक है। और अगर इस तरफ से इस वाले को खोलोगे तो ये भी अपना मिरर के साथ आ जाएगा, लाइट वगैरह नहीं आती फ्रॉन्क्स में, हमें इसमें लाइट देखने मिल जाते हैं। अब कर देते हैं इसको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट, ये होगी अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट। अब चलते हैं पीछे वाला स्पेस देखते हैं हम इसमें पीछे कितना स्पेस है। आगे बैठे हूँ उनसे उनका एक्सपीरियंस जानने का सर, भाई कैसा एक्सपीरियंस लगा देखने में जिमने, थार को टक्कर दे पाएगी? थार से तो ऊपर निकल सकती है, पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि थार का इंजन कहीं ना कहीं हमें 2.2 लीटर का मिल जाता है,
पेट्रोल की बात करेंगे तो दो लीटर का मिल जाता है, इसका 1.5 लीटर का, उसके बारे में क्या कहना है? मस्त है, ठीक है, इंटीरियर आपको देखने में अच्छा लगा। और क्या कुछ खासियत अच्छी लगी इसकी? अच्छा वो चला के बता, जिस हिसाब से डिस्प्ले करके है यहाँ पे मिट्टी में खड़ी करके, उधर पत्थर में भी ऊपर ही खड़ी करके, तो उस हिसाब से क्या करना चाहोगे? 4x4 कामयाब होगा आजकल? हाँ, अगर हम उसकी बात कर लेना, थार की बात कर ले, 10 लाख से शुरू हो जाती है अपनी, 16 लाख तक जाती है। 4x4 नहीं है, 4x4 की बात करें तो 12 लाख से शुरू हो जाती है, 16 लाख 58 में जाती है। अगर इसकी बात करें तो 12 लाख से शुरू हो जाती है। ठीक है, ये मैंने सुना है थार के बारे में, ठीक है। एक फोर्स गुरखा की बात करें, वो 14,75,000 अंदर से देसी है, अंदर से वो ट्रेवलर ही है। इसमें फील आ रहा है, इसमें फील आ रहा है, इसमें लग्जरी और दोनों का मिक्स। आगे कहते हैं पूरे कैमरे पूरे आगे कोई बात नहीं, कैमरे के लिए लिया हमने शॉट। तो कुछ चेंज बाकी गाड़ियों के अलावा कुछ लगा इसमें? इसका क्लस्टर अच्छा है, क्लस्टर ऑफ रोडिंग वाली फील देता है, ऑफ रोडिंग भी थोड़ा अलग सा, हाँ अलग सा कंसेप्ट है इसमें जो हम बात करेंगे, ठीक है। एक डोर पे तो वही सिंपल डोर हैंडल है सिल्वर क्रोम के साथ, इस तरह स्पीकर अपना, एक शीशे ऑटोमेटिक फोल्ड नहीं होते ये, हाँ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन वैसे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट हम यहाँ से कर सकते हैं भाई। यहाँ पे अपना इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, यहाँ पे आइडियल ऑन ऑफ का, यहाँ से हेडलाइट रोशन। ये हेडलाइट रोशन ना नॉर्मली गाड़ी में देखने को नहीं मिलता, ना तो थार में आता ना गुरखा में आता। यहाँ पे हेडलाइट की लेवलिंग वगैरह हम कर सकते हैं, थोड़ा बाहर आओगे एक बार मैं अंदर देख लूँ। लो भाई, भाई को बिठा दिया अंदर। भाई हाइट बताओ कितनी अपनी? 6 है। उसके बाद ऊपर का गैप बताओ कैसा है? बढ़िया, कितना गैप बचता है ऊपर का? हाथ लगा के बताओ कितना गैप बचता है। और अगर लेग रूम की बात करें, सही है लेग रूम? तो ये चीज़ देख लो भाई, यहाँ पे लेग रूम और हाइट, 6 फुट की हाइट है, तो मान लो कि अच्छा खासा वो लेग रूम और हेड रूम देखने को मिल जाता है। अगर सीट की बात करें ना, तो फैब्रिक में आती है भाई ये, ठीक है। यहाँ पे हमें क्रोम हैंडल, एक और चीज़ जो कंसेप्ट अलग सा लगा ना इस बार, ये देखने को भाई, ये वाले जो बटन है ना, इसमें अलग से देखने को मिले विंडो अप डाउन करने के लिए। यहाँ पे डोर हैंडल वही, साइड में वही प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे स्पीकर देखने को हमें मिल जाएगा। एक बार पीछे देख लेते हैं, पीछे और कुछ क्या मिलता है इसके अलावा? भाई पीछे और नहीं कुछ मिलता, यानी कि यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलता भाई। बाकी भाई से बोल दूँगा मैं, भाई सीट बैठना, सीट पर एडजस्टमेंट करो अपने हिसाब से, होगी। लो भाई, भाई के हिसाब से ना, भाई आपकी हाइट कितनी है? 5'7" की हाइट है। भाई की हाइट के हिसाब से सीट की एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब मेरी हाइट भी 6 फीट है, तो उसके बाद गैप अच्छा खासा बच जाता है इसमें भाई, गैप आराम से बच जाता है। हेडरूम भी अच्छा है, ठीक है। एक और चीज़ अच्छी है इसमें जो था बाकी नॉर्मल गाड़ी में नहीं आती, वो है यहाँ पे डोर की लाइट, आगे भी है और पीछे भी। आगे वाली उधर रही, पीछे वाली ये रही। नॉर्मली गाड़ी ने डोर की लाइट देनी बंद कर दी आजकल, ठीक है। यहाँ पे अपना वही हैंडल हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे वही अपना मारुति की वही फीलिंग देने वाले हैं दरवाजे। तो भाई दरवाजे में तो कुछ चेंज नहीं है, थोड़ा सा वो अब करते हैं इसके इंजन के बारे में बात। इंजन का मैं खोल लेता हूँ पहले भाई। अगर इसके इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर के सीरीज़ का पेट्रोल इंजन आता है। नॉर्मली ये ही एक गाड़ी बची है जिसमें के सीरीज़ का इंजन आने लग गया, बाकी तो मारुति ने पेट्रोल इंजन को और दूसरा पेट्रोल इंजन आता है। अगर इस इंजन की बात करें तो 103 bhp के साथ साथ 113 nm का टॉर्क हमें देने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके कंपैरिजन में, किसके साथ हमें कंपेयर करने वाले। कंपेयर तो वैसे थार के साथ ही है, लेकिन थार में अगर प्राइसिंग की बात करें ना 4x2 की, तो 10 लाख से शुरू हो जाता है। अगर 4x4 की बात करें ना पेट्रोल की, तो 4x4 पेट्रोल थार का शुरू होता है अपना भाई। थार का 4x4 पेट्रोल शुरू हो जाता है 13,49,000 से 16,10,000, जबकि हमें जिमनी मिलने वाली है अपनी वही 12 लाख से शुरू हो गए 15 लाख। तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रहने वाली है, लेकिन अलग सा कंसेप्ट आया तो इसको भी एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए कि क्या है, ऑफ रोडिंग के लिए कैपेबल है गाड़ी नहीं है। ऊपर की तरफ रूफ रेल नहीं आते, आप बाहर से लगवा सकते हो, लेकिन रूफ रेल होते ब्लैक कलर के तो काफ़ी अच्छी लुक सी बन जाती थोड़ी सी गाड़ी की, ठीक है। अगर डायमेंशन की बात कर लेना भाई, इसकी डायमेंशन 3985, 1645, 1720। थार के वो जो लंबाई है ना सेम है, लेकिन उसकी हाइट और लेंथ से, हाइट और विड्थ से थोड़ी कम है, ये थार की ज़्यादा है इसकी कम है। तो आपको गाड़ी कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना भाई, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना विनोद मोटर क्लब में।
चैनल में जाके आप पूरी वीडियो को भी देख सकते हो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने जाना भाई। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट जरूर करना। थैंक यू।